इस वाले चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट ए वी आर गोइंग टू स्टडी अल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड पार्ट बी वी विल स्टडी द ईथर्स. नाउ व्हेन वी आर अदरवाइज टॉकिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स तो हम बोलते हैं कि जो अल्कोहल्स एंड ईथर्स हैं they are functional isomers of each other. Alcohols and ethers are functional isomers of each other. Functional isomers का मतलब क्या होता है? They have the same molecular formula but different functional group. ठीक है? So, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है? बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल फॉर्मूला मीन्स दैट दे आर गोइंग बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. That is why we study them also separately. Their methods of preparation are also different and their chemical properties are also different and there is a vast difference in their melting and boiling points also. Okay, so let's go on to alcohols today. Alcohols, jab hum padhte hain, to again classification agar hum kare alcohols ki, आज हम सिर्फ आईयूपीएसी थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है? क्लासिफिकेशन जब करते हैं हम जस्ट लाइक व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस चैप्टर इसको भी हम उसी तरह से क्लासिफाई करेंगे. दे मे बी मोनोहाइड्रिक. OH group over here that is known as hydric group. So they may be monohydric having one OH group. ठीक है? जैसे normal alcohols होते हैं CH3OH, C2H5OH. और how do we name them? Ethanol, ethanol, propanol and so on. ठीक है? फिर सेकंड हमारे पास और आईयूपीएसी ने इसका कैसे देते हैं मिथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन. फिर हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं व्हिच कंटेन टू ओएच ग्रुप्स. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल CH2OH and CH2OH. Right? इसको common name इसका जो है, that is ethylene glycol. Common name is ethylene glycol. IUPAC name क्या होएगा? Ethane-1,2-diol. ठीक है? फिर उसके बाद पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक मींस मोर देन टू ओएच ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल propane 1,2,3-triol. ठीक है? यहाँ पे यार CH2 आएगा.
propane 1, 2, 3 triol. Clear? Okay. फिर उसके बाद जो second classification है, that is based on the hybridization. Second classification is based on hybridization. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, कौन सा कार्बन होता है इसमें? अल्फा. इफ अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इन दैट केस वी विल हैव alcohols. ठीक है. एन एग्जाम्पल विच वी कैन टेक इज CH3CH2OH. सेकेंड बेंजाइन alcohol. बेंजाइन alcohol का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के साथ CH2OH अटैच्ड है, विच मींस अब यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यहां पे ये वाला अल्फा कार्बन एटम इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. थर्ड अलाइन अल्कोहल्स. अलाइन अल्कोहल्स में व्हाट डू वी हैव? CH2 double bond CH2OH. So here also alpha carbon atom is sp3 hybridized, whereas beta carbon atom जो है वो sp2 hybridized है. ठीक है. Second आ गया sp2 hybridization. sp2 hybridization है. Now the alpha carbon atom जो है that is going to be sp2 hybridized. Okay. First इसमें आ जाता है phenol. Phenol has a OH group attached to the benzene ring. ठीक है. और second आ जाएगा vinyl alcohol. vinyl alcohol में we will get CH3, CH, CH. This is the alpha carbon atom. ठीक है. So this is the vinyl alcohol. So sp3 and sp2 hybridized. Now we need to know certain common names जो कि बार बार यूज होंगे. एज फार एज एल्काइल अल्कोहल्स आर कंसर्न, सो अल्कोहल्स के नेम्स हमें पता है कि अगर मिथाइल ग्रुप के साथ है तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, और अदरवाइज मीथेनॉल है ना. और अगर इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. प्रॉब्लम हमें कब आती है? जब हमारे पास फिनोल्स होते हैं. सो फिनोल्स के कॉमन नेम्स कुछ जो है वो आने हमें जरूरी है. द सिंपलेस्ट मेंबर ओवर हियर इज OH. दिस इज नोन एज फिनोल. इफ OH इज नॉट अटैच्ड डायरेक्टली बट टू अ CH2 ग्रुप, then this is known as benzyl alcohol. ठीक है. अगर हमारे पास दो OH ग्रुप प्रेजेंट है एट द एडजेसेंट पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन पे, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज
कैचोल और आयुबेसी नेम इसका क्या होगा 1,2 बेंजीन डायोल. ठीक है, अगर यही OH ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजिशन then this is known as resorcinol. और इसका IUPAC नेम क्या होगा 1,3 थर्ड पोजीशन पे बेंजीन 1,3 डायोल. ठीक है, अब अगर ये एक OH ऊपर और एक OH नीचे then this is known as quinol or IUPAC name 1,4 dihydroxy benzene yeah benzene 1,4 diol benzene 1,4 diol. ठीक है, अब अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है देन दिस इज नोन एज ऑर्थोक्रिसोल और IUPAC नेम इसका क्या होगा 2-hydroxytoluene OH को अगर हम शिफ्ट कर दें एट द मेटा पोजिशन then this is known as metaprisol. Oh sorry, चलो ऐसे लिख सकते हैं, otherwise CH3 ऊपर लाके OH नीचे लिख सकते हैं, it's one and the same thing. ठीक है, अगर उस तरह से लिखना है उसके साथ comparison के लिए तो वैसे लिख लो, both are correct. और अगर ये पैरा पोजिशन पे प्रेजेंट है CH3 एंड OH देन दिस इज नोन एज पैरा क्रिसोल राइट. अब जब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों को वो करते हैं कैटेगराइज करते हैं तो हमें पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होता है ना. सो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड दैट प्राइमरी CH3 CH2OH दिस इज प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी this is secondary alcohol and tertiary this is known as tertiary alcohol और इसे हम क्या बुलाते हैं 1 degree 2 degree and 3 degree alcohols ये भी हम इसे बुला सकते हैं. ठीक है, नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन डू द नॉमेनक्लेचर के नोट्स के कॉमन नेम्स मैंने कुछ बता दिए आपको मेटाप्रिसोल और वो सब राइट. अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है That is trinitrophenol. Trinitrophenol. This is known as picnic acid. So ये जब हम chapter करेंगे तो सब names आपको आने चाहिए because ये use होंगे. Right? Picnic acid. फिर एक और है OH and
CHO group. This is known as salicylidehyde. These are common names. और IUPAC name इसका क्या होगा? 2-hydroxybenzaldehyde. Because CHO group जो है, that is the main group. So number one position इसी को देंगे हम. Then 2, so 2-hydroxybenzaldehyde. अगर यहाँ पे हम CHO को COOH group के साथ substitute कर दें. तो ये क्या बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड और IUPAC नेम क्या होगा 2-hydroxy बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो ये कुछ जो है चीजें आपने याद रखनी है. देन नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स. Isomerism क्या होता है, which have the same molecular formula but different structural formula. जो alkyl halides वालों ने किया था, represent वो ये भी करेंगे. जैसे for example, position isomerism. We already know कि position isomerism क्या होता है, जिसमें position of the functional group that is going to change. ठीक है? So, अगर हमारे पास CH3, CH2, CH2OH है, this is propylene. So, OH की अगर position change हो जाती है, okay? Second is chain isomerism, where chain is going to be different. For example, this is butanol. So chain isomers का क्या होगा? Two methyl propanol. Number three, it also shows functional isomerism का मतलब कि functional groups are going to be different. जैसे हमने chapter शुरू ही उससे किया था कि alcohols and ethers are functional isomers of each other. For example, if we are taking propanol, this is propanol, तो इसका functional, CH3O CH2 CH3, ये इसका isomer होगा. इथाइल मिथाइल ईथर. ठीक है, इसकी nomenclature हम बाद में ही करेंगे. ओके, सिंपलर अगर लेना चाहते हो CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल एंड CH3OCH3 डायमिथाइल ईथर. Then certain alcohols which have a chiral carbon atom will also show optical isomerism. पर उसके लिए chiral carbon atom होना जरूरी है. जैसे CH3, CH, OH,
CH2CH3, this is a chiral carbon atom, butane 2-ol, ये optical isomerism show करता है, ठीक है? तो आज हम यहीं तक करेंगे, tomorrow we will go on to the methods of preparation.